Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about board mass rule. Board mass rule के हमने कुछ question discuss किए थे जो आपके exam के point of view से बहुत ज़्यादा important है. आपको कोई भी exam हो, railway का exam हो, SSC का हो या कोई भी teaching exam हो, उन सब में ये जो आपका method है या board mass rule है वो आता ही आता है. अगर CTET की अगर हम बात करते हैं, CTET में भी एक number का देखने को मिलता है, DSSS भी है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है बोर्ड मास रूल. अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, बोर्ड मास रूल. बोर्ड मास रूल के कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुकी हूँ, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा भी देती हूँ कि वी बोर्ड मास रूल की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है, या फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या होती है. अगर हम वी की बात करते हैं तो वी क्या होता है, हमारा वीन कैल्यू. क्या बोलते हैं, वीन कैल्यू बोलते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करते, बार से. किससे करते हैं, बार. और बार का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा ऊपर. भाई कोई भी डिजिट अगर आपकी है तो उसमें जो बार लगा होगा वो हमेशा कहाँ लगा होगा, आपका ऊपर लगा होगा. क्लियर है तक. नेक्स्ट क्या आपका बी है. बी को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट. क्या बोलते हैं, बी को हम ब्रैकेट बोल लेंगे, या हिंदी अगर हम बात करते हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोष्टक. क्या बोलते हैं, कोष्टक. ब्रैकेट भी आपके थ्री टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं आपके स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम छोटे ब्रैकेट बोलते हैं, देन आपके होते कर्व ब्रैकेट जिसे हम मध्यम ब्रैकेट बोलते हैं, और ये क्या होगा हमारी लार्ज मतलब की बड़ी ब्रैकेट. ओके, नेक्स्ट क्या है, ओ है. ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ. अगर हिंदी में हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, का, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, मल्टीपल के साइन से. ओके, उसके बाद है डी. डी क्या होता है, हमारा डिविजन, या हम क्या बोलते हैं, डिवाइड. डिविजन बोलते हैं या डिवाइड बोलते हैं. अगर हिंदी की बात करते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, हम भाग. भाग का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा कुछ इस टाइप का होता है. क्लियर है तक. देन होता आपके पास m. m मतलब कि मल्टीप्लाई या मल्टीपल हम जिसे बोलते हैं, जिसमें हम क्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा. क्या बोलते हैं, गुणा. और सिंबल क्या होता है, हमारा ये वाला सिंबल होता है. ओके, इज दैट क्लियर. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. a क्या होता है, हमारा एडिशन या एड से हम बोलते हैं, या योग बोल दो या जमा बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ये क्या होगा आपका एडिशन सिंबल, दैट इज. ओके, नेक्स्ट क्या है, आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक घटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, घटा. मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हिंदी में भी बताने की. ओके, तो सब्सट्रैक्शन क्या बोलते हैं, घटा भी बोलते हैं. साइन क्या होता है, ये होता है. अब देखो सोल्व करने के तरीके क्या क्या आपके पास. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टेटमेंट में बार गिवन है तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, बार सोल्व करेंगे. ये देखो भी स्टेटमेंट बार आपको कहाँ पे लगा हुआ है, इज दैट क्लियर. नेक्स्ट अगर ब्रैकेट गिवन है तो स्मॉल ब्रैकेट, देन हम कर्ल ब्रैकेट, देन क्या करेंगे हम लार्ज ब्रैकेट. ये सारे प्रोसीजर है बोर्ड मास रूल को सोल्व करने का. Then, अगर ऑफ गिवन है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे और देन उसको सोल्व करेंगे. अभी एक एक क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए. देन क्या होते हैं, हम डिवाइड करेंगे. अगर ये सिंबल आता है देन ओके, देन मल्टीपल, देन प्लस, फिर क्या करेंगे हम माइनस. लास्ट स्टेप इज माइनस. ये तो हो गई क्या इसकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन थी, या बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो बोर्ड मास रूल का, या इनकी डेफिनेशन मान लो, एज योर चॉइस की आप क्या मान लोगे इसको. लेकिन हमारा जो करने का रूल है वो यही है. अब मैं बताती हूँ अपनी शॉर्ट ट्रिक की, कैसे आप सेकंड डो में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे. तो हम कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज 96, डिवाइड का सिंबल आपके पास 25, माइनस कर्ल ब्रैकेट 33, माइनस 25, माइनस 176, डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 4, ऊपर बार का साइन है, देन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज, दैट इज योर क्वेश्चन. एंड ऑप्शन क्या गिवन आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज 16, सेकंड इज 4, थर्ड इज 24, एंड फोर्थ इज 6. क्लियर है तक कि है आपका क्वेश्चन, एंड ऑप्शनल आपके पास गिवन है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करेंगे हम, बार को सोल्व करेंगे. देखो बार गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूड कर
कर दिया मैंने, माइनस डिवाइड सब कुछ कर दिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको सोल्व करेंगे, 12 को सोल्व करेंगे। ओके, तो 96 डिवाइड का साइन आ गया हमारे पास 25 माइनस कर्ल ब्रैकेट 33 माइनस 25 माइनस 176 डिवाइड बाय 4 जो क्या हो गया 16 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन क्या करेंगे उसके बाद, हम क्या करते हैं डिवीजन सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में ये है उसमें क्या है डिवीजन, तो डिवीजन को सोल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया, 16 क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया। ओके, तो राइट डाउन 96 25 33 माइनस 25 माइनस 11 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ल एंड लार्ज ब्रैकेट क्लोज। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे हम। एनी डाउट, 33 माइनस 25 आउट ऑफ 11 क्या बच गया हमारे पास, 14 बच गया। 5 में से एक गया 4, 2 में से एक गया 8, तो क्या बच गया हमारे पास 14। अब कर्ल ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम। ओके, 25 माइनस 33 आउट ऑफ 14, 13 में से 4 गया 9। ओके, एंड 2 में से एक गया 1, 19 क्लोज हो गया यहाँ पे। 96 डिवाइड 15 में से 9 गया 6, इसको डिवाइड कर देंगे 6 में से 6 इज 36, आंसर विल बी क्या आ गया आपके पास 16, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम दोबारा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास बार का साइन गिवन है, तो हमने क्या किया बार को सोल्व किया, देन हमने क्या किया उसको डिवाइड किया, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लिया कंप्लीट, देन कर्ल ब्रैकेट को, देन हमने क्या किया अपने लार्ज ब्रैकेट को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया आपके पास 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 by 2 multiple 11 by 5 divide का साइन है, 25 upon 44 multiple 11 by 5 and divide का साइन है 33 upon में क्या होगा हमारे पास 15। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पता चल जाए कि भाई हमारा जो बोर्ड मास रूल है या सीटेट है या कोई भी एग्जाम उनके मैथ के सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या करना, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, करना है या नहीं करना है। ओके, 11 जो 11, 11 4 जो 44, 5 जो 5, 5 जो 25, स्मॉल ब्रैकेट 5/4 आ गया, डिवाइड का साइन है 33 अपॉन में क्या आ गया 15, क्लियर यहां तक। ओके, इनको मल्टीपल कर लेंगे हम, 11 3 जो 33, 5 2 जो 10, जैसे डिवाइड है डिवाइड को अगर हम साइन चेंज करेंगे मल्टीपल में तो ये क्या हो गया रेसिप्रोकल। वैसे तो आप इसको यहाँ पे कट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33 से 33 कैंसिल, 5 3 जा 15। ओके, नेक्स्ट कुछ कट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कुछ कटेगा यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 3 2 जा 6 अपॉन में क्या आ गया 5। इसको इम्प्रॉपर को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। पहले हम क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, कट रहा तो उसको हमने काट दिया, 11 जो 11, 11 4 जो 44, 5 जो 5, 5 जो 25, 5 अपॉन में क्या बच गया 4, डिवाइडेड क्या 33 अपॉन में 15। हमने इन दोनों को मल्टीपल कर लिया, 33 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, 5 जो 10, डिवाइडेड को साइन में चेंज किया मैंने मल्टीपल में, रेसिप्रोकल हो गया 4/5, देन ये हो गया 15 अपॉन में क्या हो गया 33, जो कट रहा है हमने काट दिया, 5 जो 5, 5 3 जो 15 ठीक बच गया, 33 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऊपर बच गया 2 और 3, 3 2 जा 6 अपॉन में क्या हो गया 5, और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। आपके पास क्या है, जैसे कि इस टाइप का 68 का 75%, तो का मतलब कि ऑफ मतलब मैंने क्या बताया था मल्टीपल का साइन, तो 68 मल्टीपल 75 अपॉन में क्या करते हैं 100, क्योंकि परसेंट है, परसेंट घटाने के लिए हम क्या लगाते हैं अपॉन में 100 लगाते हैं, इज दैट क्लियर। कट रहा सो काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0 हो गया हमारे पास, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, भाई 5 से 15 5 और 20, 4 से कट जाए 4 एकम 4, 4 7 28, 17 3 51, तो दैट इज योर आंसर। अब हमें इस स्टेटमेंट में बार दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, बार को सोल्व कर लेते हैं और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो मुझे इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, डाउट तो इसको चेंज कर लेते हैं। फोर थ्री जो ट्वेल्व और वन कितना हो गया 13/4 माइनस 4 1 जो 4, 4 एंड 1 कितना होगा 5 माइनस 1/2, 2 2 जो 4, 1 5/2 माइनस। इसको सोल्व करेंगे बिकॉज इसके ऊपर क्या बार का साइन है, इसको सोल्व करोगे तो 6 और 4 का एलसीएम आई थिंक आपको क्या आएगा 12 आएगा। फिर हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12 एलसीएम आ गया, 4 3 जो क्या हो गया हमारे पास 12, ओके, माइनस में क्या आ गया आपके पास 6 2 जो 12, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। डिवाइड का साइन आपके पास 1/2, ऑफ का मल्टीपल कर लेते हैं क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या बताया मैंने मल्टीपल, गुणा का साइन लगाते हैं, 4 3 12 और 1 13, 13 बटे कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 13 कम 13 3 6, ओके, तो 13/4 माइनस 5/4 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/12, डिवाइड का साइन 13 अपॉन में क्या होगा 3 2 6, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। 13/4 माइनस 5/4 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे क्या आ गया 12 आ गया यहाँ तक, 2 6 12, 6 5 30, 30 में से एक क्या होगा मेरे पास 29, डिवाइड क्या होगा 13 अपॉन में क्या होगा 6, स्मॉल ब्रैकेट अभी बची हुई है, फुल कंप्लीट सोल्व नहीं हुई अभी, तो 5/4 माइनस 29 अपॉन में 24, 12 2 24, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीपल है, क्या है वो मल्टीपल है, ब्रैकेट के साथ बाहर हमें कोई साइन दिखाई दे रहा है नहीं है ना, ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं, ना डिवाइड का साइन, तो इसका मतलब वो क्या है मल्टीप्लाई है। इज दैट क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो क्या करते हैं इसमें इसमें प्लस या माइनस एज इट इज कुछ ना कुछ कर देते हैं, बट अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीपल है। ओके, अब ब्रैकेट हमें ये हमारे पास ये बची हुई है, अच्छा ये कर्ल ब्रैकेट चली हुई थी आपकी यहाँ तक, कर्ल ब्रैकेट और ये क्या हो गया कर्ल ब्रैकेट, क्योंकि हमें ओपन ब्रैकेट भाई जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट थे उसको हमने ओपन कर लिया। 4 24 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है, ओके, यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं, स्पेस नहीं वहां पे, तो 13 अपॉन में 4 माइनस 4 एंड 24 का एलसीएम 24 लिख सकते हैं, यस, 4 6 जो 24, 6 5 जो 30, 30 आउट ऑफ 29 क्या आ जाएगा 1, टिप्स पे होने चाहिए आपकी कैलकुलेशन, ये नहीं कि एक एक स्टेप को इसका एलसीएम लिया, भाई अगर एग्जाम में आता है तो पहले तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं आपको ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो और इसको यहीं पे सोल्व करते रहो और फटाफट आपका आंसर आ जाए। ओके, अब क्या है देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, 4 24 का एलसीएम हमें पता है क्या 24 आता है, 4 से 24, 6 5 से 30, यहाँ पे 24 है, 24 बटे 24 1 पे आया, तो 29 उनसे क्या होगा 29, अब 30 में से 29 में जो माइनस किया तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 बचा, क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं है, डिवाइड का साइन है क्या बचा हमारे पास 13 अपॉन में क्या हो गया 6 हो गया, क्लियर है तक। अब आपके पास बचा 13 अपॉन में 4 माइनस 1/24, डिवाइड क्या बचा 13 अपॉन में क्या हो गया 6, क्लियर है तक, या तो हम कर लेते हैं इसका रेसिप्रोकल, डिवाइड का साइन है, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इन दोनों का एलसीएम लो फिर करो या फिर इसको ऐसे कर लो 1/24 मल्टीप्लाई 6/13, 6 1 6, 6 4 24, 1/ क्या हो गया हमारे पास 13, 4 जो क्या हो गया हमारे पास 13 54, तो ये हो गया आपके पास 13/4 माइनस 1/52, एलसीएम क्या आएगा आपके पास 52 आएगा, बेचारे कुछ चार चाहते बार 13 54, 13 13 कितना हो गया 147 माइनस में 1, तो आंसर क्या गया 168 अपॉन में क्या गया 52, कट रहा है तो काट देंगे, 2 2 4 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, आंसर क्या गया 42 अपॉन में क्या गया आपके पास 13, दैट इज योर आंसर, क्लियर है तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वेरी सिंपल था, पहले हमने बार को सोल्व किया, बार को सोल्व करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप अपना सोल्व करते गए और आंसर आ गया हमारे ये, क्लियर है तक। अब भाई यहाँ पे 52 होता 52 आता तो 30 से कट भी जाता, बट यहाँ पे 42 है, 42 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 24 प्लस 36 माइनस 8
मल्टीपल 20 माइनस 5, डिवाइड का साइन है 2 मल्टीपल 13 माइनस 1 बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज -16, सेकंड ऑप्शन इज 180, थर्ड ऑप्शन इज 60 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -180। सोल्व करते क्वेश्चन, पहले बार को सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस कर्ल ब्रैकेट 36 माइनस 8 मल्टीपल 20 माइनस 5 डिवाइड 2। अब आपके दिमाग में होगा स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं सोल्व की, बिकॉज पहले हमारे पास क्या बार है। हो गया, यहाँ तक हो गया। 24 प्लस 36 माइनस 8 मल्टीपल 20 आउट ऑफ 5 क्या हो गया, 15, 15 अपॉन में क्या हो गया 2, मल्टीपल क्या है आपके पास 2, बार मल्टीपल का साइन है ना आपको। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे भाई, 24 जा 8, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, तो 24 प्लस 36 माइनस 120, 24 प्लस 120 में से 36 को माइनस करो, 10 में 6 गया 4, 11 में 3 गया 8, माइनस का बड़ा साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, 84 आउट ऑफ 24 माइनस 60, दैट इज योर आंसर। आंसर कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, 9 प्लस 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2 स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का है, तो सोल्व करेंगे हम क्या, 9 प्लस 6 प्लस 7 कितना 13 का है, मतलब क्या होगा मल्टीपल, माइनस स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 माइनस इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो गया 3। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 9 प्लस 13 3 से 39 माइनस 11 में से 3 गया कितना हो गया हमारे पास 8 बच गया। ओके, 9 प्लस 39 आउट ऑफ 8 कितना हो गया 13 वन हो गया, 31 और 9 कितना हो गया हमारे पास 40, दैट इज योर आंसर। चेक आउट कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया आपकी। क्वेश्चन क्या था, 9 प्लस 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2, तो पहले हमें क्या करना होता है, डिवीजन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो 2 को हमने 6 से डिवाइड किया, क्या हो गया हमारे पास 3 आ गया, तो 9 प्लस 6 और 7 कितना हो गया 13 हुआ, 13 का 3 मतलब क्या हो गया मल्टीपल 3 माइनस 9 और 2 11, 11 माइनस कितना है हमारे पास 3, 11 में से 3 गया कितना बचा हमारे पास 8 बचा। ओके, 13 3 से 39, 39 आउट ऑफ 8 क्या होगा 39, 39 में जब हमने 1 को 9 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 40। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आज आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस प्लीज इस चैनल को या सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 प्लस 2 कर्ल ब्रैकेट 3 माइनस 4, 5 माइनस 4 प्लस 3 एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ल ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज ब्रैकेट, दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस में क्या हो गया 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4 और 3 कितने हो गए 7। क्लियर है तक, 4 प्लस 2 कर 3 माइनस 4, 7 में से 5 ये माइनस का 2। क्लियर है तक, 4 प्लस 2 3 माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8। ओके, तो 4 प्लस 2 8 और 3 कितना हो गया 11। ओके, तो 4 प्लस 11 2 जा 24, 24 और 4 कितना हो गया 26 हो गया, 5 को 26 से मल्टीपल कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है मल्टीपल। ओके, अब 5 6 जा कितना हो गया 30, भाई 6 5 30 3 5 10 और 3 कितना हो गया 13, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई डाउट भी नहीं होंगे। हमने कुछ आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो
और पहले के जो सेशन थे बोर्ड मास रूल का, उसमें भी हम सोल्व कर चुके थे। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड मास रूल में अब आपको कोई भी डाउट रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या आपके दिमाग कोई स्टेटमेंट ऐसे जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस स्टेटमेंट को मेंशन करना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपके जितने भी डाउट्स है उसको इजिली सोल्व करा सकूं। तो प्लीज अगर आपको बोर्ड मास रूल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।